नमस्कार, मैं तनु शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पीएम मोदी पहुंचे बाबा केदार के दरबार, पूजा अर्चना के बाद गुफा में ध्यान लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे और करीब 17 मिनट तक बाबा केदार की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा की। पीएम ने गढ़वाली पोशाक पहनी हुई थी और सिर पर हिमाचली टोपी लगाए हुए थे, वहीं कमर में भगवा गमछा बांधा हुआ था। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री ने केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और केदारनाथ स्थित गुफा में ध्यान लगाया। कल भगवान बद्री नारायण के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। रात्रि विश्राम के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री नारायण के दर्शन करेंगे और दोपहर बाद दिल्ली लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का उद्देश्य आध्यात्मिक है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। SPG के जवानों ने एक दिन पूर्व यहां पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। चुनाव नतीजों से पहले ही मोदी के खिलाफ महागठबंधन की कोशिशें तेज। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का प्रचार खत्म होने के साथ ही विपक्षी नेताओं में हलचल बढ़ गई है। किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की सूरत में विपक्षी दलों ने सरकार के गठन को लेकर मिशन सरकार पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में TDP प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली पहुंचकर विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के लिए मुलाकात शुरू कर दी है। उत्तराखंड और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके। उत्तराखंड और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। निकोबार में दो बार भूकंप के झटके आए। पहला भूकंप रात 11:59 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 रही। दूसरा झटका करीब आधे घंटे बाद 12:35 पर आया, जिसकी तीव्रता 4.9 मापी गई। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में रात 1:08 पर 3.8 की तीव्रता के झटके महसूस किए गए। कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मार गिराए दो आतंकी। सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में दो आतंकी मार गिराए गए। मारे गए एक आतंकी की पहचान शौकत अहमद के रूप में हुई है। यह मुठभेड़ अवंतीपोरा के पंजगाम गांव में सुबह हुई। वहीं अनंतनाग में भी आतंकवादियों के खिलाफ एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में CRPF, RR और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम शामिल रही। भारतीय रुपयों के सामने आधी हुई पाकिस्तानी रुपयों की कीमत। भारतीय रुपया अब पाकिस्तानी रुपए से दोगुना मूल्य का हो गया है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले जहां 70 पर था, तो वहीं पाकिस्तानी रुपया 150 के पार चला गया। इस सप्ताह पाकिस्तानी रुपया अपने निम्नतम स्तर पर आ गया। हालांकि कुछ दिनों पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज देने पर सहमति दी थी। ईरान की चेतावनी, आसानी से तबाह कर सकते हैं अमेरिकी जहाज। ईरान ने कहा है कि वह आसानी से खाड़ी देशों में अमेरिकी जहाजों को निशाना बना सकता है। इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ईरान के राजनयिक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अमेरिकी प्रतिबंधों को खारिज किया जाए और न्यूक्लियर डील के मामले में अमेरिका के विरोध को कम कराया जाए। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। टाटा स्काई बिंज लॉन्च, बिना सेट टॉप बॉक्स के देखे चैनल्स। टाटा स्काई ने कंटेंट आधारित अपनी नई सर्विस टाटा स्काई बिंज लॉन्च की है। इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए अमेज़न फायर टीवी स्टिक और टाटा स्काई का एडिशन खरीदना पड़ेगा। कस्टमर्स को इस सर्विस के लिए 249 रुपए देने होंगे। अमेज़न का फायर स्टिक अपने टीवी में लगाना होगा। यह तभी हो सकेगा जब टीवी में HDMI पोर्ट होगा। ICC ने लॉन्च किया 12वें वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 12वें क्रिकेट विश्व कप के ऑफिशियल सॉन्ग स्टैंड बाय लॉन्च कर दिया है। इस गीत को 30 मई से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के दौरान मैदानों और शहरों में होने वाले कार्यक्रमों में बजाया जाएगा। स्टैंड बाय गाने को लॉरेन और ब्रिटेन के सबसे सफल व प्रभावी रोडी मेंटल बैंड ने तैयार किया है। इसमें यूनाइटेड किंगडम्स की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया गया है। कांस में प्रियंका को सपोर्ट करने पहुंचे निक जोनास। कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर प्रियंका चोपड़ा बेहद स्टनिंग लुक में नजर आ रही हैं। उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनके पति निक जोनास भी पहुंचे। सोशल मीडिया में सामने आई तस्वीरों में प्रियंका और निक रॉयल लुक में नजर आ रहे हैं। इसमें प्रियंका ब्लू ड्रेस में जबकि निक व्हाइट सूट में दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका को इससे पहले मेट गाला में निक जोनास के साथ देखा गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ।
तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।